أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين بقى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم ابراہیم کی سنت ہے وہاں دو نبی تھے ایک سنت تھی یہاں ابراہیم ایک نبی
की सुन्नत हजरत इब्राहिम में भी जारी हुई और हमारे वक्त के इमाम में भी जारी हुई, किस तरह हुई करके गुफ्तगू में रिवायात की रोशनी में पेश किया गया। इब्राहिम पर जारी करदा खुदा की दूसरी सुन्नत जो मेरे वक्त के इमाम में भी पाई जाएगी। मौला क्या सुन्नत है फरमाया, वाहतेजारहु अन्नास, ये इंतजार निकला है अज़ से। अज़ अरबी जुबान में कहते हैं किनारा कशी इख्तियार करते हो, लोगों से कट कर रहते हो। तो बहुत से लोगों का हमारे वक्त के इमाम पर एक इतराज ये है कि अगर खुदा ने इन्हें इमाम बनाया है तो उनका काम तो लोगों की हिदायत करना है, और जब उनका काम लोगों की हिदायत करना है तो ये पर्दा है सवाल के कई जवाब आ सकते हैं। एक जवाब यहाँ पर जवाब यह है कि अल्लाह ने अपने नबी इब्राहिम को भी लोगों की हिदायत के लिए भेजा था, लेकिन कुरान की आयत इब्राहिम के इस कलाम को नकल करती है कि जब इब्राहिम ने अपनी कौम को मुखातिब करके कहा वाअअतज़िलुकुम, ऐ मेरी कौम मैं तुमसे किनारा कश होता हूँ, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। काम हिदायत करना था लेकिन इब्राहिम दूरी इख्तियार कर रहे हैं, तो जो जवाब आप इब्राहिम के किनारा कश होने पर देंगे वही जवाब हम अपने इमाम के किनारा कशी पर भी देंगे। तवज्जो कर रहे हैं कि गुरु प्रेम मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अम्मा सुन्नतु मूसा, चौथे नबी जिनकी सुन्नत इमाम ने जिक्र की, चौथे इमाम ने कौन से हैं कलीम खुदा हजरत मूसा। वाला कौन सी सुन्नत है मूसा की वक्त के इमाम में जारी होगी, फरमाया दो सुन्नतें हैं, यहाँ भी नबी एक है सुन्नतें दो हैं, कौन कौन सी फरमाया फल खौफु वल खैबा। मूसा पे खुदा की दो सुन्नतें जारी हुई, कौन सी, एक गैबत है और एक खौफ है जो हजरत कायम में भी जारी होगी। तवज्जो करते हैं दोनों सुन्नतों की तफसील अगर समझनी है, हकीकत तक पहुंचना है तो नबी अल्लाह मूसा की जिंदगानी पर निगाह करनी पड़ेगी, नबी अल्लाह मूसा की हयात को देखना पड़ेगा। तवज्जो कर रहे यकीन जहनों में हैरत होगी, क्या नबी अल्लाह मूसा भी गैबत में रहे। अभी अर्ज किए देता हूँ, जब नबी अल्लाह मूसा की विलादत का वक्त करीब आया तो हालात क्या थे, कि फिरौन ने हुक्म ये दिया था कि हर कौम मौजूद को कर दिया जाए। सूरह मुबारक है कसस में अल्लाह ने इस वाक़े को इंतहाई तफसील से बयान किया, क्या फरमाया वौहैना इला मुन्ने मूसा, हमने मादरे मूसा पर बड़ी की, क्या बड़ी की, मैंने लड़ी इसे दूध पिला दिए, फ़ीदा खिफ्ती अलैह, जब आपको मूसा की जान पर खतरा महसूस हो फ़अल्की फिल जब अपने बच्चे को दरिया में डाल दीजिए, वला तखाफी वला तहज़नी, ना डरना है ना गम करना है, हमारा वादा है इतना रादू बिनई, हम इस मूसा को आपकी तरफ पलटाएंगे, दूसरा वादा है जाएलू मिनल मुरसलीन, हम इसे अपने रसूलों में से करार देंगे। नबी अल्लाह मूसा की वालिदा ने क्या किया, खुदा पर तवक्कुल किया, खुदा की फरमा बरदारी की, एक संदूक बनाया लकड़ी का, उसमें हजरत मूसा को रखा नन्ना सा बच्चा, और इस अमानत को दरिया के हवाले कर दिया, और दरिया ने भी इस अमानत पे कोई खयानत न की, इसे इसकी मंजिल यानी फिरौन के दरबार और महल तक पहुंचा दिया। वहां क्या हुआ, फंतकत हुआ आलू फिरौन, मूसा नन्हे से कम से बच्चे को फिरौनियों ने उछाल लिया, फिरौन के सामने पेश किया, जौजा आसिया ने कहा कि हम इसे अपना बेटा बना लेंगे, फिरौन राजी हो गया, नतीजा क्या हुआ, अब वही शख्स कि जिसके कत्ल का फिरौन दरमे था, जिसकी वजह से बनी इसराइल के एक एक पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दे चुका था, वही बच्चा है और फिरौन के अपने महल में परवरिश पा रहा है। जो कीजिएगा बहुत अहम नुकता है, फलसफा गैबत माना है गैबत समझ आ जाएगा अगर इस नुकते पर तवज्जो कर ले। मेरा आपसे सवाल है, जब फिर मूसा को उठाकर फिरौन के सामने लाया गया और आसिया ने फरमाइश की कि हम इसे पाल लेते हैं, हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं, क्या फिरौन इस बच्चे को अपनी निगाहों के सामने देख रहा था, यकीनन देख रहा था। दूसरा सवाल, क्या
डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई फला पेशे से मुंसलिक होगा, कोई फला का रिश्तेदार होगा, कोई फला का जानने वाला होगा। मैं आपको देख रहा हूं, क्या मैं आपको जानता हूं? एक एक को तवज्जो कीजिएगा। मामला क्या है, दिक्कत फरमाइएगा। आप तमाम की जात मेरे सामने है, आप तमाम का शख्स मेरे सामने है, शख्सियत मुझसे पोशीदा है, पर्सन मौजूद है, पर्सन देख रहा हूं, पर्सनैलिटी मुझसे पोशीदा है। फिरौन एक नन्हे से कम से बच्चे को देख रहा था, जात उसकी निगाहों में थी, शख्सियत मूसा को खुदा ने गैबत में रख लिया था। और लमा फरमाते हमारे वक्त के इमाम, हमारे इमाम जमान जब पर्दाए गैब में है, जब दौरे गैबत में है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इमाम ने हमारी दुनिया को छोड़ दिया, किसी और आलम में मुंतकिल हो गए। रिवायत के इमाम इसी दुनिया में लोगों के दरमियान जिंदगी बसर करते हैं। रिवायत के अजीब जुमले हैं, यम शीफी अस्वामी को तुम्हारे बाजारों में, तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे दरमियान से गुजरते हैं। हज के बारे में रिवायत में मासूम ने बताया, हर बरस रोजे अरफा मैदान अरफा में होते हैं, मोमिनीन से मुलाकात करते हैं। जहूर हो जाएगा तो कितने लोग ऐसे होंगे, क्या कहेंगे, इनसे तो हमने पहले मुलाकात की थी, चक्कर क्या है? उलमा फरमाते हैं गैबत की हिकमत और फलसफा यह है, गैबत का तरीका यह है कि खुदा ने मेरे इमाम की जात को हाजिर रखा, शख्सियत को गैबत में डाल दिया। जब आप सुनते हैं मुबरों से फला आलिम को इमाम इमाम जमाना की मुलाकात का शरफ मिला, फला आलिम को फला जगह इमाम जमाना की ज्यारत हुई, उन तमाम वाकयात में एक बात कॉमन नजर आएगी, एक बात मुश्तरक है, वो क्या है कि किसी भी वाकये में इमाम से मुलाकात करते हुए, इमाम से हम कलाम रहते हुए किसी आलिम को ये खबर न हुई कि ये मेरे वक्त का इमाम है। कब खयाल आया? जब इमाम नजरों से पोशीदा हो गए तब क्या था? खुदा ने उनकी शख्सियत को लोगों से गैबत में रखा है। जैसे हजरत मूसा फिरौन के दरबार में पल रहे थे, अब समझ आया मूसा की गैबत क्या है? फिरौन एक तमसिन बच्चे को देख रहा है, फिरौन को कलीम खुदा नजर नहीं आ रहा, फिरौन एक छोटे से बच्चे को देख रहा है, उसे अल्लाह का नबी नजर नहीं आ रहा। मूसा का शख्स और जात मौजूद है, शख्सियत गैबत में है। इमाम फरमाते हैं मूसा की यही सुन्नत गैबत होगी जो हमारे आए में जारी होगी, तो जब दौरे गैबत आएगा शख्स हाजिर होगा, शख्सियत कायम होगी, लोग देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे। अगर बात पहुंच गई है तो नबी अल्लाह मूसा की दूसरी सुन्नत यानी खौफ की तरफ मुंतकिल होना चाहता हूँ, किस तरह से अल्लाह के नबी में ये सुन्नत खौफ पाई जाती है और किस तरह से इमाम वक्त में यही सुन्नत खौफ जारी होगी। अगर तवज्जोहात मेरे साथ में तो एक दुरूद पढ़े हजरत आए यकीनन जब एक नबी के साथ खौफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो बहुत सारे अदमान हमें परेशानी तारी होती है। क्या अल्लाह का नबी भी खौफ ज़्यादा होता है? क्या अल्लाह के नबी को भी डर लगता है? क्या कलीम खुदा हजरत मूसा जैसा उलुल अज़्म नबी भी खायफ था? तफसील आएगी। जैसा मूसा का खौफ है वैसा ही मेरे वक्त के इमाम का खौफ भी है, तवज्जो कर रहे हैं? लेकिन अगर इस खौफ की सुन्नत को समझना है तो फिर नबी अल्लाह मूसा के वाकये को टटोलना पड़ेगा। यही सुन्नत मुबारक का असर। जब नबी अल्लाह मूसा पल बढ़कर जवान हो गए, मिस्र में फिरौनियों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं, कुरान में अल्लाह इसी सूरह कसस में हजरत मूसा की जवानी के एक वाकये को नकल करता है। तवज्जो कीजिएगा, वाकया हजरत मूसा का है, मौजूद इमाम जमाना है, लेकिन कुरान की आयतें और बहुत से अकीदों पर दलील बनती चली जाती है और बहुत से असरात से पर्दा उठाती चली जाती है। मैं साथ साथ
पेश करता जाऊंगा, बस आपने तवज्जो मेरे साथ रखी है। कुरान कहता है बलम्मा बलम्मा मशरकहु, जब तबीयता मूसा जवान हो गए ताकतवर हो गए, दखल अल मदीना अला हिन गफलत मिन आया, सूरह कसस की आयत है, कोई रिवायत नहीं कुरान की आयत है। तबीयता मूसा शहर मिस्र के एक इलाके में दाखिल हुए, क्या देखा सबसे पहला मंजर मूसा ने, जैसे ही मूसा उस इलाके में दाखिल हुए मूसा ने देखा कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, कुरान ने हमें उन दोनों का तआरुफ भी कराया, लेकिन कैसे कराया, हाजा मिन शियाते व हाजा मिन अदुवे। मूसा शहर में दाखिल हुए, मूसा ने देखा दो लोग झगड़ रहे हैं, कुरान दोनों का तआरुफ क्यों करा रहा है, एक मूसा का शिया था, एक मूसा का दुश्मन था, पहला कौन, मूसा का शिया। कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया हाजा मिन शियाते, अब हमसे कोई ना पूछे कि मजहब शिया कितना बुरा नाम है, एक मूसा का शिया था वहादा बिन अदू, दूसरा मूसा का दुश्मन था। शिया ने जैसे ही अपने आका को आते देखा क्या किया, जो उसकी फितरत में था वही किया। शिया जब मुश्किल में होता है अपने आका को पुकार लेता है। कुरान कह रहा है फस्तगाथा अल्लज़ी मिन शियाते, मूसा के शिया ने जैसे ही मूसा को देखा अपनी मदद के लिए पुकार लिया, ऐ मूसा आप तो नबी खुदा हैं, आप तो तौहीद सिखाने आए हैं, आप तो उलुल अज़्म नबी हैं, अपने शिया से कह देते कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। तवज्जो कर रहे हैं, नहीं मूसा ने नहीं कहा, क्या किया, फस्तगाथा अल्लज़ी मिन शियाते, शिया ने अपने आका से अपने मौला से जिसका शिया था उससे मदद मांगी, जो आका था उसने क्या किया, फवक्कलहु मूसा, मूसा अपने शिया की मदद को आ गए। एक जुमला कहूंगा आगे बढ़ जाऊंगा, अकीदों की जमानत की आयत है, सूरह कसस की आयत है, नौजवान दोस्त निशानियों को याद रखिएगा, शिया का अपने मौला से मदद मांगना भी कुरान की सुन्नत है, और मौला का बढ़ के मदद कर देना भी कुरान की सुन्नत है। दुश्मन को एक मुक्का नसीब किया, कुरान क्या है, फवा जाता हूँ मूसा, मूसा ने शिया की मदद के लिए पुकारने पर मदद की और उस दुश्मन को दूसरे शख्स को एक मुक्का नसीब किया, क्या हुआ, इस आम जवाब का मुक्का तो था नहीं, नबी खुदा का मुक्का था, क्या हुआ, कुरान कहता है फकदा अलै मर गया, मजो कर रहे फवा जाता हूँ मूसा, मूसा ने मुक्का नसीब किया, फकदा अलै दुश्मन मर गया, मूसा ने क्या ढूंढा था, ये बड़ी नाजुक मंजिल है, कुरान की आयत का लफ्ज़ आला, मूसा ने कहा आला बिन अमल शैतान, मूसा ने मौका रसीद किया, सामने वाला शख्स मर गया, मूसा ने कहा ये काम शैतान का था, बड़ी नाजुक मंजिल है, आप सबके जहनों में मरना कोई ना कोई आया होगा, कुरान की ये मंजिल, ये आयत के लफ्ज उन चंद मंजिलों में से है कि जो इंतहाई नाजुक और लर्जा देने वाली है, अगर इस मंजिल पर संभल के न चला जाए तो अकीदा नबूवत तबाह हो जाए, और यही हुआ, यही हुआ, जिस किसी ने कुरान की तफसीर को कुरान नाजुक के दर से नहीं लिया, इस आयत पर आकर अकीदा नबूवत में खराबी पैदा हो गई, क्या तफसीर कर बैठा, आपके जहनों में क्या आया, हाजा मिन अमल शैतान, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, मूसा को एक ने मदद के लिए पुकारा, मूसा उसकी मदद को आया, दूसरे को मुक्का नसीब किया, मर गया, मूसा ने कहा ये शैतान का काम है, क्या जहन में आया, कि काम नबी अल्लाह ने अपने काम को शैतान का काम कह दिया, तवज्जो कर रहे हैं,
अगर आगे मोहम्मद के दर से तफसीर न ली जाए और जिन्होंने नहीं ली वो किसी गुमराही में पड़ गए। एक उदुल आज नबी के काम को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया, लेकिन जिन्होंने जरे आगे मोहम्मद से तफसीर ली उन्होंने क्या किया? आगे मोहम्मद से पूछा गया मौला हादा में नाम शैतान हादा क्या इसमें इशारा हादा या नहीं पॉइंट आउट करना हादा ये शैतान वजह थी ना कि जब वो कारे इमामत पाए
तो वही अली जो 23 बरस सबर करता रहा, आज वही अली 40 हिजरी में माहे रमजान में खुद अपने कत्ल की मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। वही अली जो घर में था, आज वही अली मेहराब में आया है। और जब कत्ल का हमला हुआ तो क्या कहा? फुज़ु रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। खुदा ने इस बंदे पर जो जिम्मेदारी डाली थी वो इसने पूरी कर दी। खुदा की हुज्जतों, उसके अंबिया और अइमा को, उसके बदगुजीदा बंदों को खौफ अपनी जान का नहीं होता और उस हदफ के नामुकम्मल रह जाने का होता है जो खुदा ने उनकी जान से जोड़े रखा है। तवज्जो कर रहे? तो मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया था एवं कुरान क्या है, खौफ ज्यादा होकर। मौला अली ने बताया कि कैसा खौफ था, बताया कि मूसा को खौफ अपनी जान का नहीं था, मूसा को यह खौफ बनी इसराइल की निजात का था। मूसा पर खुदा ने जिम्मेदारी रखी थी, तुम्हें तो बनी इसराइल को निजात देना नहीं है। अगर मूसा उस वक्त अर्ज कर दिए जाते, गिरफ्तार हो जाते, तो वो हदफ खतरे में पड़ जाता। तवज्जो कर रहे? अब मुझे बकर एक जुमला कहते दीजिए, वो मूसा कि जिसे खुदा ने ये जिम्मेदारी दी हो कि बनी इसराइल एक कौम की निजात का बायस बनना है, अगर वो अपने हदफ पर खौफ ज़दा होकर लोगों की नजरों से पोशीदा होकर चले जाए तो मुसलमान को कोई एतराज नहीं होता। वो के जो फखरे मूसा है, जिनके कांधों पे खुदा ने फकत बनी इसराइल नहीं सारी कायनात की निजात की जिम्मेदारी डाली है, अगर वो पर्दे कैद में हो तो हैरत कैसे। अगर बात पहुंच गई एक दूर पड़े मोहम्मद वाले,
भी चलो हम भी इंतजार करेंगे। एक मरतबा कायम का जहूर होने दो, ऐसा को तशरीफ लाने दो, खुद अपनी आंखों से देख लेना किसका मुसल्ला पीछे बिछा है, कौन इमामत करा रहा है। फैसला कर लेना कौन अफजल है कौन मफजूल। एक दूसरा जवाब बड़ा ही लतीफ जवाब अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी अअलल्लाहु मक़ामहु ने दिया कि जब एक ईसाई पादरी उनके पास आया और तंज़िया अंदाज में कहने लगा कि ऐ अल्लामा आपका आप मुसलमानों का दावा यह है कि हमारे नबी ईसा जिंदा है। फरमाया हाँ हमारे हमारा अकीदा कुरान में वाज़े लिखा, हमने ईसा को गलत कर दिया। ऐ ऐ अल्लामा अज़हर आपका अकीदा यह भी है कि आपके आखिरी इमाम भी जिंदा है। जवाब दिया हाँ हमारा अटल अकीदा है। कहा ईसा कहाँ है, कहा चौथे आसमान पर। कहा आपके इमाम कहाँ है, कहा जमीन पर। पादरी मुस्कुरा कर कहने लगा तो फिर ज्यादा बुलंद मर्तबा किसका हुआ। तो जो है इमाम इंसान होता तो इसी तरह परेशान हो जाता, इसी तरह खामोशी तारी हो जाती, लेकिन अल्लामा ने उसे बड़ा लतीफ जवाब दिया। क्या फरमाया, सवाल क्या था, तवज्जो कर रहे, सवाल क्या था, आपके अकीदे के मुताबिक नबी ईसा भी जिंदा है, आपके इमाम भी जिंदा है, आपके अकीदे के मुताबिक खुदा ने नबी अल्लाह ईसा को चौथे आसमान पर रखा, आपके इमाम जमीन पर है, तो फिर ये बताइए कि बुलंद मर्तबा किसका हुआ। अल्लामा ने जवाब दिया कि कुदरत एजदी ने अपने फजीलतों का तराजू कायम किया, तराजू के एक पलड़े में ईसा को रख दिया, एक पलड़े में मेहंदी को रख दिया। अरे मेहंदी की फजीलतों का वजन इतना था कि पलड़े ईसा चौथे आसमान तक बुलंद हो गया। जो फिक्र मना वह हद्दे शऊर होती है तो फिर मदद भी उधर से जरूर होती है। कितने अंबिया की सुन्नतें आपकी खिदमत में पेश की गई आज तक, नबी अल्लाह आदम, नबी अल्लाह नूह, नबी अल्लाह इब्राहिम, नबी अल्लाह मूसा और नबी अल्लाह ईसा, दो नबी रह गए, एक नबी अल्लाह अय्यूब और एक हमारे नबी। नबी अल्लाह अय्यूब की सुन्नत आज बयान कर रहा हूँ और वहीं से हम मसाइल से जुड़ जाएंगे। आखिरी नबी में खुदा ने कौन सी सुन्नत जारी की जो वक्त के इमाम में भी जारी होगी, इंशाअल्लाह कल की आखिरी गुफ्तगू इसी पर होगी। वाला नबी अल्लाह अय्यूब की कौन सी सुन्नत जारी हुई, फरमाया अम्मा सुन्नतो अय्यूब फल अय्यूब बाय मोहम्मद वाले। आखिरी इमाम में भी खुदा जारी फरमाएगा, फरमाते बल फरजो बादल बलवा, आजमाइशों सख्तियों और शदीद तरीन मुसीबतों के बाद कोशाइश और आसानी का मिल जाना, ये वो सुन्नत खुदाबंदी है जो अय्यूब में भी जारी हुई, जो मेरे वक्त के इमाम और उनके जमाने के मोमिनीन में भी जारी होगी। तरीका क्या होगा कि जब आजमाइशें मुश्किलात इम्तिहानात अपनी बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे, जब लोग नाउम्मीद होने लगेंगे, उस वक्त खुदा उन्हें कोशाइश और आसानी देगा अपनी हुज्जत के ज़हूर के जरिए से। ये सुन्नत अय्यूब जो हजरत कायम में भी जारी होगी। सवाल यह है कि अय्यूब पर आजमाइशों की कौन सी बुलंदी पहुंची, कौन सी आजमाइशें थी कि जब अय्यूब के लिए ये आजमाइश और मुश्किलात इम्तिहानात बुलंदी तक पहुंच गए कि जब कुरान ने कहा वह अय्यूब के नादा रब्बहु, के जब अय्यूब के जिनका सब्र रब्बुल मिसल है उन अय्यूब का सब्र जवाब दे गया और क्या कहा, वह अय्यूब के नादा रब्बहु, अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा, क्या कहा, रब्बी इन्नी मस्सनी अय्यूब, ऐ खुदा
मुश्किलात ने, गमों ने, इम्तिहानात ने मुझे हर तरफ से घेर लिया है, ऐ खुदा तू ही मेरी मुश्किल को आसान फरमा। अब यहां तारीख अय्यूब को देखना पड़ेगा। रिवायत कहती है, तारीख इस्लाम इस बात को नकल करती है कि अल्लाह ने अपने दीगर कई अंबिया की तरह अपने इस नबी अय्यूब को भी दुनिया की नेमतों में से बहुत नवाजा था। औलाद की कसरत और वाफिर मकदार ने मालो दौलत अदा किया। बाद तारीख में तारीखी रिवायात में जनाब अय्यूब के बेटों की तादाद 7 या 14 भी लिखी है। इतने कदीर मकदार में बेटे भी अदा हुए, जागीर मालो दौलत अदा हुई। अय्यूब अलैहिस्सलाम इंतहाई आसानी की जिंदगी में थे। एक रोज शैतान ने कुदरती यजीदी से मुखातिब होकर कहा कि अरे खुदा, तूने अपनी नबी को इतनी आसानी और कुशाइश में रखा है, इतनी आसानी में तू किसी को भी रख देगा वो तेरी ही इबादत करेगा। तू किसी को इतनी नेमतें दे दे वो तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करेगा। तो अय्यूब की इबादत में अय्यूब का कोई कमाल नहीं है। ये शैतान है कि जो बारहा खुदा को चैलेंज करता आया है। खुदा हमेशा एक ही बात कहता है, तुझे एक वक्त मालूम तक की मोहलत दे रहा हूं। ऐ खुदा, ये तेरी नेमतें हैं कि जिनका असर है कि अय्यूब तेरे सामने सब झुकाते हैं। ये खुदू से अय्यूब नहीं होगा याद रखेगा। खुदा ने जवाब दिया, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरा बंदा अय्यूब मुझसे कितना मुखलिस है और मैंने क्यों अपने इस बंदे को इतना अटा कर रखा है। क्या हुआ? अय्यूब की आजमाइशों का दौर शुरू हुआ। एक एक करके औलाद मरने लगी, एक एक करके जमीनों को नुकसान होने लगा, बंदा जाया होने लगा। अय्यूब की मालो दौलत बड़ी तेजी से कम होता चला गया, अय्यूब की औलाद भी बड़ी तेजी से खत्म होती चली गई। यहां तक कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम के जितने घर से लोगों को मिलता था, अब इंतहाई कसम खुशी न आ गए तो अब अय्यूब की आजमाइश और इम्तिहान का मरहला बढ़ा। अब यह आजमाइश अय्यूब के बदन से हो गई। अब जनाबे अय्यूब मरीज होने लगे, और मरद भी कैसा कि लोगों ने जनाबे अय्यूब से मिलना मिलाना छोड़ दिया। दुनिया का तरीका होता है जब कोई शख्स कोशिश में हो तो बहुत से उसके आसपास रहते हैं, लेकिन जब वही मुश्किल और आजमाइश में पड़ जाए तो अपने भी पराए हो जाते हैं। तो लोगों ने जनाबे अय्यूब से मिलना मिलाना छोड़ दिया। अब जनाबे अय्यूब तन्हा है। फकत उनकी जौजा वो मुमिना खातून थी जो इस आजमाइश और इम्तिहान में अय्यूब के साथ रही। मर्ज बढ़ता चला गया, अय्यूब का सब्र अभी भी कायम है। अय्यूब अभी भी पूरे खलूस से उसी तरह खुदा की इबादत में मशगूल है, और खुदा शैतान को दिखाकर फख्र कर रहा था कि देख ये है मेरा मुखलिस बंदा, सब कुछ दिया था तब भी मेरा बंदा था, सब ले दिया तब भी मेरा ही बंदा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिन गुजरते जा रहे हैं, हालात सख्त से सख्तर होते चले जा रहे हैं, यहां तक कि जनाबे अय्यूब की सौजा घर को चलाने के लिए इस मंजिल तक मजबूर हो गई कि लोगों के घरों पे जाकर काम काज करके बदले में अनाज लेकर आती। अय्यूब का सब्र अभी भी जारी है। रिवायत कहती है कि एक रोज जब जनाबे अय्यूब की सौजा शहर वालों से कुछ लिए बगैर मायूस अपने घर जनाबे अय्यूब के पास लौट रही थी, तो रास्ते में शैतान एक खातून की सूरत में उनकी सौजा से आकर मिला और सौजा अय्यूब से कहा कि अगर आप ये चाहती हैं कि आपको अल्लाह और राशन मिल जाए तो कुछ ना कीजिए, अपने सर के बालों में से चंद बाल तोड़कर मेरे हवाले कर दीजिए। जनाबे अय्यूब की सौजा ने बहुत सोचा, इंतहाई मजबूर, सामने भी खातून, अपने सर से कुछ बालों को तोड़कर उस खातून के जो शैतान जिसकी सूरत में आया था उसके हवाले कर दिया। बदले में उन्हें कुछ राशन और गिजा मिली। ये गिजा लेकर जनाबे अय्यूब के घर पहुंची। जनाबे अय्यूब ने सवाल किया कि ये इतनी गिजा आज आपको कहाँ से मिली?
इन्होंने माजरा बताया रास्ते में खातू मिली जिन्होंने मेरे सर के कुछ बालों के बदले मुझे हजार अनाज दे दिया। अय्यूब का सब्र आपने सुन लिया, कैसा सब्र कि अब तक सब्र कर रहा है। अय्यूब को सब्र का पहाड़ कहा जाता है। वो अय्यूब जब ये माजरा सुना तो जब तक अपने बिस्तर से उठ गए, मुसल्ले इबादत पर आए और खुदा की बारगाह में फरियाद की, मैं खुदा मैं तेरा नबी अय्यूब, मैं तेरा बलगुजीदा बंदा अय्यूब, ऐ खुदा तूने मुझसे माल को छीना मैंने सब्र शुक्र किया, ऐ खुदा तूने औलाद के इम्तिहान से गुजारा मैंने सब्र किया, ऐ खुदा तूने जिस्म के इम्तिहान से गुजारा मुझे शदीद अमराज में मुब्तला किया मैंने सब्र किया, लेकिन ऐ खुदा आज ये जो इम्तिहान मेरे सामने आया है ये अय्यूब की गैरत को गवारा नहीं है। ये वो मौका था कि जब अय्यूब ने खुदा से कहा कि रब्बी इन्नी मस्सनी अज़ुर, ऐ खुदा अब मुश्किल ने मुझे घेर लिया है, ऐ खुदा अब मुझ पर रहम कर, अब मेरे इम्तिहान और आजमाइश को खत्म कर दे। आयत कहती है फस्तजबना लहू व कशफना मा बिहि मिन ज़ुर, अय्यूब की दुआ सुन ली गई, अय्यूब की तमाम ये था सबरे अय्यूब। कहां आकर खत्म हुआ कि सौजा के चंद बाल कोई खातून लेकर चली गई, अय्यूब की गैरत को गवारा ना हुआ, सबर खत्म हो गया। इसके बावजूद कुरान ने अय्यूब को साबिर कहा है। जरा सोचो मेरे मौला से गिरे सज्जाद के सबर का आलम क्या होगा। राहे कूफा और शाम है, बाजार है, दरबार है, पाए बहने छुट्टियां है, रुकना चादर है, अय्यूब आपकी सौजा का इकबाल किसी खातून ने देख लिया आपको बर्दाश्त न हुआ। जरा आइए कूफा और शाम की राहों में सैयद देखा, इंतहाई बहादुर और शुजा। माला आप तो इमाम वक्त थे,
पाले नहा जवाब सा और बते आले अथार का जवाब सा सैयद सजाद की मजबूतियत का पाले नहा हमारे मासूम को कल देना जमीन मां करे हुसैन के लिए मरहम का वारिस करा दे हाय आमीन पाले ला इस अदादारी साहूदारी के सदके हमारे तमाम सगीर और कबीर गुनाहों को माफ फरमा हाय आमीन पाले ला जो मुमिनीन और मुमिनात पर से अजाब तशरीफ फरमा है कि तमाम जिन हालात को बर फरमा पाले ला दुनिया में जहां कहीं अदादारों ने सैयद शहदा आबाद है मुझे हर बला हर वबा से महफूज फरमा पाले ला तमाम मुसलमान ने आलम की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा हाय आमीन पाले ला हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा हाय आमीन उन्हें जवार मरहूमीन में जगह इनायत फरमा हाय आमीन सबसे बड़ी दुआ सबसे बड़ी आरजू मुंजिए बशर मुंतकिल चला फर्जंद जहरा पाए में आगे मोहम्मद के ज़हूर में तालीम फरमा हाय आमीन علينا انك انت التواب الرحيم ما قبل حسين